ये देखिए क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है, पेज नंबर किस पे उतार बेटा, 84 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43। देखिए इसमें बोला जाता है द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एंटी क्लॉक है। कैसी है, आगे सुनिए। इफ द कंडक्टर वॉज हेल्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सुनिए ध्यान से पहले। देखिए ये मैं रब कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये माना कि ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, तो कंडक्टर को कैसे रखा है, अलोंग ईस्ट वेस्ट रख दिया। मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, आप इमेजिन करिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ अलोंग द एक्सेस ऑफ ईस्ट वेस्ट ऐसा वायर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी ये बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे मैं खड़ा हूँ, ये रहा मेरा क्लॉकवाइज और ये रहा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल से आप कर्लिंग जो करते हैं वो जो फिंगरिंग फिंगर को जो कर्ल करते हैं वो किसकी डायरेक्शन में करते हैं, मैग्नेटिक। तो जो अंगूठा थंब होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि जब डायरेक्शन ऑफ, याद नहीं भूलियो आप राइट हैंड थंब रूल, जब करंट की डायरेक्शन में ऐसा रखा था क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता था, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका पैटर्न कैसा होता था, सर्कुलर कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स। तो अगर करंट ऐसी जा रही तो फिर कैसा बनेगा, ऐसा करंट अगर ऐसी जा रही तो अंगूठे को कैसा सेट करते हैं, करंट की डायरेक्शन में, और ये हो गई। तो अपना इन्होंने घुमाकर पूछा है, हम करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, इन्होंने मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे दी है और मुझे क्या बताना है, करंट की डायरेक्शन। तो देखिए ये ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है और मेरा ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कर्ल को किधर करूंगा, एंटी, ये देखिए ये मैं एंटी करता हूं तो अंगूठा कैसा आता है, बाहर की तरफ। यहां से मैच कराइए ईस्ट से वेस्ट, इसका मतलब करंट कहां से कहां फ्लो करता है, ईस्ट टू वेस्ट। तो आंसर विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, व्हिच रूल इज फॉलोड, तो आंसर इज राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल। इसी में अगर आपको बोला जाता है ईस्ट से वेस्ट रखा है और क्लॉकवाइज है तो रख दीजिए पहले अलोंग द ईस्ट वेस्ट, क्लॉकवाइज क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो हाथ को ऐसा रखिए, मैग्नेटिक फील्ड सेट करिए, करंट आएगा वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का आएंगे, रीजनिंग वाले आप इसका प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, जो शीट्स वगैरह मैं दूंगा उससे, ओके। हाँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट है।